वेलकम टू माय चैनल। आज हम 20 जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम कहाँ संचालित हुआ है? तो वो आपका हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो निष्ठा कार्यक्रम है इसका वो क्या है, मतलब ये जो निष्ठा पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ये जो निष्ठा है ना, यानी कि NISHTHA, ओके, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो निष्ठा योजना का, इसका किसने इसको लॉन्च किया है और कहाँ पर लॉन्च किया है, यानी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया, वो तो आपने देख ही लिया। इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश की शिक्षा से जुड़े 1200 प्रमुख व्यक्तियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NCERT द्वारा निष्ठा को दीक्षा और निष्ठा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारूप में बदल दिया गया है। ठीक है, निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसका नाम है आपका, वो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, ये तो निष्ठा के बारे में तो आपने जान लिया। देखिए, ये जो निष्ठा कार्यक्रम है ये 2019 में इसको फेस टू फेस मोड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो निष्ठा कार्यक्रम है, इसके बाद क्या हुआ, 33 राज्यों, केवल राज्यों नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के तहत इसको शुरू किया गया। ठीक है, ये तो इस निष्ठा प्रोग्राम के बारे में हो गया। बाकी हम बात करते हैं दीक्षा, ये दीक्षा पोर्टल लिखा हुआ है ना इसमें, ये दीक्षा क्या है? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है DIKSHA। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होगी आपकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी एक मतलब ये भी एक पोर्टल था जिन दोनों को इन दोनों के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारूप में, मतलब इन दोनों को बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है, ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ठीक है, जिसमें इंडिया का स्थान रहा है तीसरा। ओके, और फर्स्ट नंबर पे आपका चीन और यूएसए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका चीन रहा है, सेकंड नंबर पे यूएसए रहा है। ओके, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है, तो अमेरिका में एक कंपनी है, मतलब अमेरिका में एक कंपनी के सलाहकार हैं जिनका वो है कुशमन और वेकफील्ड। ठीक है, वेकफील्ड द्वारा इसको जारी किया गया है ये जो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी कंपनी जो क्या करती है, मतलब ये जो कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है कुशमन और वेकफील्ड, ये एशिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत के सारे, मतलब 48 कंट्रीज़ के बारे में उनकी सिचुएशंस को ये बताते हैं। ठीक है, यानी कि उन देशों की क्या रैंकिंग है उसको निर्धारित करते हैं। ओके, और ये मतलब हर देश का, यानी कि प्रत्येक देश का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है, तो वो चार फील्ड हैं, यानी कि चार क्षेत्र हैं जिनके द्वारा जिनके आधार पर इनका वो मतलब मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपका फर्स्ट है वो है बाउंस बैकेबिलिटी, एंड सेकेंड इज़ कंडीशन, और थर्ड है आपका कॉस्ट, और फोर्थ है रिस्क। ठीक है, इन चारों के आधार पर इसको इसका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, इंडिया जो है 2019 में इसका क्या पोजीशन था, तो फोर्थ नंबर पे थी, अब वो थर्ड नंबर पर इंडिया का स्थान आ गया है। ठीक है, यानी कि एक स्थान ऊपर हो गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकैब, यानी कि MEDICAB नामक पोर्टल अस्पताल का किस विकास किसके द्वारा किया गया है, तो वो है आपके IIT मद्रास के द्वारा इसका विकास किया गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और स्टार्टअप मॉडल हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इसकी खासियत क्या है कि इसे दो लोग मिलकर 4 घंटे में कहीं भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस पोर्टल को, इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटीन करके इलाज करने में मदद मिल सकेगी। ठीक है, यही है इसके बारे में, और कुछ नहीं है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है आपकी रोशनी नादर। ठीक है, रोशनी नादर को HCL कंपनी की, HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसकी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये जो है आपकी भारत की सबसे धनी महिला हैं, और इसका ये मतलब किनका स्थान लिया है इन्होंने, तो ये अपने पिता के स्थान पर आई हैं जिनका नाम था शिव नारद। ठीक है, जहाँ पे इनका नाम दिया गया है। अब ये HCL कंपनी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो HCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ओके, ये जो कंपनी है ये एक कैसी कंपनी है, ये एक इंडियन मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। ये क्या है, ये एक HCL एंटरप्राइज की सहायक कंपनी है। साथ में ये क्या करती है, ये कंपनी HCL के कई सेक्टरों को संचालित भी करती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस हुआ, ऑटोमोटिव हुआ, बैंकिंग हुआ, हेल्थ केयर हुआ, टेलीकॉम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनको भी संचालित करती है। ओके, इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वो क्या थे, वो एक गणितज्ञ थे। ठीक है, तो प्रख्यात गणितज्ञ कंजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री यानी CS शेषाद्री का निधन हो गया है। उनके गणितज्ञ के क्षेत्र में किए गए कार्यों को, खासकर बीज गणितीय ज्यामितीय के क्षेत्र में, उन्हें पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे वो, इसका मतलब साल 2009 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, कौन सा है हमारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जिसका नाम है पद्म भूषण, ठीक है, उससे नवाजा गया था 2009 में। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चित जाइकोव डी क्या है? तो ये एक कोरोना वैक्सीन है, भारतीय दवा निर्माता कंपनी जिसका नाम है जाइट्स कैडिला ने इसकी जानकारी दी है कि प्री क्लिनिकल टॉक्सिटी ट्रायल में COVID-19 का उसका संभावित वैक्सीन जाइकोव डी सुरक्षित पाया गया है। इस कोरोना वैक्सीन को हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक से पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, यानी कि इसका ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना को उपलब्ध कराई गई SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश में निर्मित हुई है? तो वो आपका अमेरिका है जिसमें इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में बस इतना ही है जानने के लिए, और कुछ नहीं है। अमेरिका की जो कौन सी कंपनी है उसका नाम है 6R। ठीक है, अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी 6R द्वारा इसको बनाया गया है। ओके, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो आपका रूस है। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला देश रूस बन गया है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का कहना है कि उसने कोरोना वैक्सीन के सभी मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। ओके, और आई थिंक ऐसी भी न्यूज़ है एक कि अगस्त तक ये जो वैक्सीन आने लगेगी इंडिया में भी, ठीक है, मतलब अदर कंट्रीज़ में भी। ओके, और मुझसे एक आई थिंक कल वाली वीडियो में एक गलती हो गई थी, जिसमें आपको जो होप मिशन है, मैं कह रही थी कि 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, वो एक उसमें क्या हुआ है कि 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उसको 19 को ही लॉन्च किया जाएगा। तो वो करेक्ट थी वो डेट जो उसमें लिखी हुई थी हमारे उस पर स्क्रीन पर। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, एंड आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।